भोपाल में आयोजित जाट महापंचायत में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को किसानों की मांग उठाने पर अपमानित कर प्रताड़ित किया। इस कारण आप पार्टी पूरे प्रदेश भर में एक स्वर में भाजपा सरकार के कृषि मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और रैलियां निकाल रही है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंदसौर में वाहन रैली निकाल कर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, किसान बहुत दुखी है, किसानों की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। और जब जाट महासभा का आयोजन हुआ और जाट महासभा ने सारे किसान प्रतिनिधियों, सारे राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया, जिसमें कमल पटेल को भी आमंत्रित किया भाजपा के नेता को, जब वहाँ आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि अपनी समस्या बताने लगे, किसानों के हक में आवाज़ उठाने लगे, तो कमल पटेल ने अपने गुंडों से उनका माइक छिनवा लिया, उनको मंच से उतार दिया और उनकी बेइज्जती की। आज हम उसके विरोध में कमल पटेल इस्तीफा दो, आम आदमी पार्टी किसानों की समस्याओं के लिए सक्रिय है और आगे लड़ रही है और आने वाले विधानसभा में भी किसानों की आवाज़ बुलंद करना है। जो किसानों का शोषण हो रहा है उनका विरोध करना है और किसानों की समस्याओं को हल करवाना है। जिस प्रकार से कमल पटेल ने किसानों का अपमान किया है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका अपमान किया है, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी पूरे मंदसौर शहर में बाइक रैली निकाल रही है और कृषि उपज मंडी के बाहर जाकर आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक वहाँ पर कमल पटेल का पुतला जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।